आज क्वारंटाइन का थर्ड डे। हेलो गाइस, वैसे मैं मास्क के पीछे मुस्कुरा रहा हूँ। आज है 4 अप्रैल और आज कोविड टेस्ट के लिए आया हूँ। आई होप कि वैसे ये लोग तो बोल रहे हैं कि लाइन तो बहुत लंबी है। मैं आपको लाइन देखूँ, देख रहा हूँ कितनी बहुत लंबी लाइन है। मुझे काफ़ी पीछे खड़ा होना पड़ा था और पहले रजिस्ट्रेशन होता है इनके अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पीछे जो वहाँ पे दिख रहा है वो गेट दिख रहा है, वहाँ पे वो गार्ड वगैरह वो स्ट्रेचर लेके अंदर जा रहे हैं। वहाँ पे फिर अंदर जाना पड़ता है, हॉल है। और उस हॉल में क्या होता है, उस हॉल में फिर आपका कोविड टेस्ट होगा और कोविड टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट जो है वो 24 आवर्स में ये लोग हार्ड कॉपी में देते हैं। लेकिन ऑनलाइन आप इसको बोल रहे हैं कि चेक बहुत पहले ही कर सकते हो। तो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर माई नंबर एंड आफ्टर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि रिजल्ट क्या होता है। इवन एक्सपीरियंस गाइस, अभी मेरे को ये कोविड किट मिला है फॉर टेस्ट करने के लिए। अब मुझे ये लेके जाना है जो इसके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं उनके पास। तो देखो, BHU ID होने का ये फ़ायदा होता है कि इतनी लंबी लाइन में भी पहले आपको मौका मिल जाता है। तो अभी हम लोग टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरा रिजल्ट क्या आता है। देखो यहाँ पे माइक लगा रखा है इन लोगों ने, माइक में से बोलना है, उस खिड़की पे से उन लोग उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके चलिए फिर चलते हैं हम लोग। यार इतनी छोटी इतनी प्यारी बेबी है, बताओ इसको पॉजिटिव ना आए भाई। ओ अरे अभी मैं अंदर आ गया हूँ। देखिए ये है, वहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है, ये लाइन लगी हुई है। और चलिए, इन लोगों ने तो प्रिकॉशन ले रखी है अच्छी खासी। एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, एक पूरा सेक्टर ही क्रिएट कर दिया है कोविड टेस्ट के लिए। इधर पूरा एक पूरा सेक्टर ही तो है। और आई होप कि अच्छा हो। देखिए ये हो रहा है टेस्ट, वहाँ पे वो टेस्ट हो रहा है। हेलो गाइस, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। 4 अप्रैल को मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया था। अभी 5 बजे वो रिपोर्ट सुबह में आई है, वो पॉजिटिव था। आज मेरा पहला दिन है क्वारंटाइन का। मैंने खुद को आइसोलेट किया है अपने ही रूम में। वैसे मैं पहले भी अकेले ही रहता था, लेकिन यह है कि अब इस डोर को परमानेंट मैंने बंद कर दिया है। और अभी लगभग काम भर के खाने की चीज़ें आई हैं, बाकी लिस्ट अभी मैंने दिया है, वो भी शायद शाम तक आ जाए। बाकी डॉक्टर वगैरह भी टच में हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी किसी डॉक्टर का कॉल आया था, फिर उसके बाद यहाँ से भी कुछ प्रशासनिक लोगों के कॉल आए थे। उन लोगों
लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है। शाम तक शायद उनकी भी टीम आ जाए या कभी किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी समय। मतलब उन्होंने आज का टाइम लिया है कि आज आपके यहाँ टीम विजिट करेगी, कुछ मेडिसिन वगैरह देगी और हो सकता है एक फॉर्म फिलअप कराए होम क्वारंटाइन का, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता और मेरे पास अच्छा है, अपने रूम में रहूँगा तो ठीक है। मैं इसको सुबह सुबह सैनिटाइज, कल से मैं पूरा अपने शेड्यूल का अच्छे से फॉलोअप करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लासेस वगैरह भी अपना पढ़ाई करूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत बोरिंग समय है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि मेरे को एक वीडियो देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना बोरिंग है। मतलब पढ़ाने का थोड़ा सा मन हो सकता है, लग रहा है खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। ये मेरा पहला दिन है आज। आज की जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेरे को लग रहा है कि 36-38 के आसपास होगी, और ओके सो मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो मैं डालूंगा नहीं, ये वीडियो तो मैं बस इसलिए शूट कर रहा हूँ कि मेरे को पता चले कि कोविड के 14 डेज किस तरीके से सरवाइव करते हैं लोग जब किसी को हो जाता है। तो मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था। मेरे को याद है कि लास्ट टाइम जब कोरोना बहुत डरावने रूप में था, मतलब जब कोरोना के नाम सुन के ही लोग एकदम कांप जाते थे। अभी तो फिर भी रैंडम है, उतना लोगों को पता है कि ये उसका म्यूटेशन फॉर्म है, फिर से आया है, लोगों को बहुत तेज पकड़ रहा है, बस 1% के आसपास इसका डेथ रेट है। बनारस में कल की जो रिपोर्ट है वो 326 के आसपास है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। इवन पूरे देश में आज, अभी तो मैं आजकल बस कोरोना की रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, क्या क्या गवर्नमेंट उसके लिए फैसिलिटीज दे रही है, फैसिलिटीज क्या है। गवर्नमेंट तो डरा रही है, आई होप कि कोऑपरेट करे मेरे को। ठीक है, तो आज पहला दिन है, कल देखते हैं दूसरे दिन क्या रहता है मेरा हेल्थ। ओके मुस्कुराते रहिए। आज सेकेंड डे है, डेट है 6 अप्रैल। उठा लगभग सुबह भी नींद खुला था, ऐसा नहीं 5 बजे, लेकिन प्रॉपर नींद कंप्लीट करने के लिए मैं लगभग 9:30 तक मैं सोया हूँ। फिर अभी मैंने ब्रश किया डेली रूटीन के वर्क करने के बाद, फिर मैं भी काढ़ा, मेरे पास काढ़ा बचा हुआ था तो मैंने उसी को गर्म कर दिया है। बॉडी टेम्परेचर अभी आज का फिर से 101 है, और सोते वक्त भी 101 ही था, तो उसमें कोई भी अभी ना इंक्रीजमेंट ना डिक्रीजमेंट हुआ है। और आज थोड़े से खराश में हल्की सी ब्लड ब्लड के बबल से शायद मुझे लग रहा था थोड़ा सा, बाकी आज थोड़ा सा लेफ्ट चेस्ट में भी पेन है थोड़ा सा। ये कोविड सेकेंड डे का मेरा रिपोर्ट है, अब कल देखते हैं। मीन्स अभी तो रिकवरी का नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये है कि अभी उतना बुरा भी नहीं है। मीन्स कल से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बढ़ा ही है कुछ, आज मे बी आज अभी सेकेंड डे हो तो ऐसा ही होता हो, इंतज़ार करूँगा थर्ड डे फोर्थ डे। लोगों के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो ये है कि लगभग 5 दिन में ही हो जाता है सही, 8 दिन बस बोला जाता है फिर उसके बाद। ठीक है, मुस्कुराते रहिए।
आज क्वारंटाइन का थर्ड डे है। ओके अगर बनारस में है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए या फिर गांव निकल जाइए। यहाँ का माहौल बहुत खराब है। ओके आज क्वारंटाइन का फोर्थ डे है और कोरोना सिम्टम्स में आज दो बातें मुझे समझ में आई। एक और ये कि ये जब हो जाता है तो आपकी मेमोरीज पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। आप भूलते बहुत तेज हो, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कुछ समय पहले क्या किया था, या मतलब कुछ भी आप भूल सकते हो, ऐसा हो सकता है। बाकी एक और ये है कि आपको कुछ भी स्मेल नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम है। बाकी ख्याल कीजिए आप लोग अपने, ठीक है। COVID 5 days, आज पांचवा दिन है, फिफ्थ डे। इसका गेट जो है ना उधर, आज का टेस्ट तो बहुत ज्यादा पेनफुल रहा। गाइस फाइनली आज मेरा आफ्टर 12 डेज मैंने अपना री कोविड टेस्ट कराया फिर से, और उम्मीद करता हूँ कि अब रिजल्ट निगेटिव आ जाए। और सच बता रहे आज का गजब टेस्ट बहुत पेनफुल रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप कि रिजल्ट निगेटिव आया। 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा आ रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, उनको 100% श्योर है कि मैं गारंटी लेता हूं उनको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट सभी लोग इधर पास आ जाओ। एक बड़ा ही गुड न्यूज ये है कि यहां से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। ओके, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, देखते ही दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, क्या कि हमें किसी डाइस के 3 फेसेस दिख रहे हैं और वहां से हमें 3 नंबर दिख रहे हैं। अब 3 नंबर से हम कैसे पता करें कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, सामान्य पासा है या एक मानक पासा है।